सीटें भी आगे बढ़ती दिख रही है, तकरीबन 42 से 43 सीट पे, क्या कारण है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्पष्ट रुझान है और ये वोटों में जनता की आक्रोश परिलक्षित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो आज रुझान दिख रहा है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ के सरकार बनाने में सफल होगी। एमपी और राजस्थान में भी काफी बढ़त दिख रही है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मुद्दे स्पष्ट रूप से तीन मुद्दों पे हमने बात किया था। कांग्रेस के वादे खिलाफी जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन नहीं कर पाए, पहला सबसे बड़ा मुद्दा था। भूपेश का भ्रष्टाचार दूसरा बड़ा मुद्दा था और तीसरा बड़ा मुद्दा था विकास के सारे काम ठप पड़ गए थे। इन तीन मुद्दों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया मोदी जी के गारंटी एक सबसे बड़ा विश्वास था। सर, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा रहा, क्या लीकर बैन का जो उनका मुद्दा था जो प्रॉमिस किए थे वो? महिलाओं के 12,000 रुपया मासिक देने की योजना और महिलाओं को सम्मान के साथ 500 रुपया गैस सिलेंडर में देने की बात और 18 लाख आवास देने की बात, इन मुद्दों को लेकर उनके अंदर बात आई।